ओके सो जब टेक्स्ट को यहाँ पे 3ds Max में जस्ट रेंडर आउट करना होता है सो उसके लिए मैं टेक्स्ट प्लस पे जाता हूँ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में टेक्स्ट प्लस, एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लेट्स से SP8, ठीक है, मैं जस्ट टॉप व्यू में क्लिक करता हूँ और ये SP8 आ गया, सो W प्रेस करता हूँ एंड देयर वी गो, ठीक है, तो सेंटर में करते हैं बाय थ्रू दीज एरोस, राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं शेल देता हूँ, ठीक है, सो मैं एक मॉडिफायर ऐड करता हूँ, शेल ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे टिपोलॉजी देख रही हूँ कुछ इस तरह से आ रही है, सो ज़रा इसकी टिपोलॉजी देखते हैं, सो इंटरपोलेशन में आते हैं, स्टेप्स हम थोड़े बढ़ा सकते हैं से थोड़ा ये क्लियर आउट हो जाए, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, लेट्स टेक समथिंग लाइक कोई सा भी समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है, मेक श्योर ये सिलेक्टेड हो, सेलेक्ट किया समथिंग लाइक दिस, मेक श्योर जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसमें जो चेंजेस चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, हम इसको बेवलिंग दे सकते हैं कॉर्नर से, देख रहे हो, सो ये बेवलिंग से एक्सट्रूड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है, और इसकी लुक एंड फील बेटर हो जाएगी, इसमें आपके पास कस्टम बेवलिन है, लेट्स से कॉनकेव एंड डिफरेंट डिफरेंट, नो इट्स अप टू यू आप किस तरह की बेवलिंग यूज़ करना चाहो, सो इनफैक्ट आप यहाँ से इसका कर्व भी एडिट कर सकते हो, ठीक है, सो अगर मैं इसमें बेवलिंग में चेंजेस करता हूँ, देख रहे हो वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, सो यू कैन प्ले विद दिस, ठीक है, सो मैं इसमें ऑब्वियसली बेवलिंग नहीं करूँगा एंड मैं इसे जस्ट कस्टम की जगह लेट्स से कॉनकेव लेता हूँ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव आई थिंक इट्स गुड, थोड़ी डेप्थ जो है और विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, पुश देखते हैं, जस्ट प्ले विद दिस, आप चाहो तो बेवल प्रोफाइल एडिटर पे भी आ सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इसमें देख लो लुक एंड फील है, सो मैं इसे डिलीट करता हूँ पॉइंट को, ठीक है, साइज़ हम इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग ऑब्वियसली उसमें से बीच में स्पेसिंग जो है वर्ड्स में जो स्पेसिंग है वो चेंज कर सकते हैं, अडैप्टिव इज़ गुड, हम इसे रीजन पॉइंट पे रख सकते हैं कि रीजन के अंदर इसके अंदर रहे, ठीक है, सो अगर मेरा कोई लंबा सा यहाँ पे टेक्स्ट हो सो मैं उसमें वो ऐड कर सकता हूँ, और जस्ट पॉइंट पे हो दैट मीन्स हमारा जो हमारा जो पिविट पॉइंट होगा उसके ठीक सेंटर पे आएगा, ठीक है, तो मैं इसे रीसेट करता हूँ, जस्ट रीसेट, ठीक है, ओके अब ये करने के बाद मैं पीछे एक प्लेन डालता हूँ, जस्ट अ सिंपल प्लेन, ठीक है, और इसको भी सेंटर में करते हैं, और अब सारा काम मटेरियल्स के साथ है, ठीक है, मटेरियल्स एंड लाइट, ठीक है, आप किसी भी तरह की लाइट ऐड कर सकते हो, स्पॉटलाइट किसी भी तरह से, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ ग्रिड ऑफ करता हूँ और एक कैमरा ऐड करता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली टॉप व्यू से, सो लेट्स गो टू क्रिएट कैमरा, टारगेट कैमरा, और मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग आउट करता हूँ, ठीक है, और अगर शिफ्ट प्रेस करूँ ऑल द वे स्ट्रेट वे आएगा, तो W प्रेस करते हैं एंड देयर वी गो, ठीक है, सो हमारे पास एक कैमरा है जो ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे कैमरा को रोटेट करना पड़ेगा सो दैट हम सही डायरेक्शन से देखें उसे, ठीक है, सो मैं उसे इनफैक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ 90, श्योर इट्स सिलेक्टेड, -90 ट्राई करते हैं, सो रीसेट, ओके सो लेट्स ट्राई दिस वे, ठीक है,
हम चाहे तो इस पे एंगल स्नैपिंग कर सकते हैं 90 डिग्री की। सो मैं इसे एंगल स्नैपिंग देता हूँ ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। इनफैक्ट इसको राइट क्लिक करके मैं 90 पे सेट कर देता हूँ, एंगल 90, ठीक है। सो अब अगर मैं इसे रोटेट करूँ शुड गेट द रिजल्ट। शिफ्ट एफ एंड मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव में जाता हूँ, इसको ज़रा देखिए दोबारा से। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से सी प्रेस कर सकते हैं सो दैट हम देख सके वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्या इसको ऑलमोस्ट इतना स्ट्रेट पे अलाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स हिट सी, शिफ्ट एफ और मैं इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है। हालांकि ये हमारा फाइनल नहीं होगा, डोंट वरी, हम इस पर रेंडर नहीं निकालेंगे, हम इसे की शॉट पर निकालेंगे। सो ये टेक्स्ट आने के बाद ऑब्वियसली हम काफ़ी कुछ प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इस कैमरे को हटा ही देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मुझे सिंपल सा एक बेस रेंडर निकालना है सो मैं इस पर प्लस पे जा सकता हूँ और फोटोमेट्रिक वीरे वीरे लाइट और एक वीरे लाइट सेलेक्ट करता हूँ इसके साइज़ की, इसको डब्ल्यू प्रेस करता हूँ एंड जस्ट पिक इट अप, ठीक है। और मैं नहीं चाहता पीछे ब्लैक दिखे सो मैं जस्ट यहाँ पे वीरे पे जाऊँगा एंड वीरे प्लेन ऐड करूँगा, उसको हल्का सा नीचे कर लूँगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका जो कलर है मैं सेट करता हूँ, सो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हियर सिलेक्ट दिस ऑल एंड मटेरियल पे जाता हूँ और क्विकली असाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं और लेट्स ट्राई सम शेल, ठीक है। और शेल का आउटर अमाउंट जो है मैं अभी ज़ीरो कर रहा हूँ, इनर अमाउंट बढ़ाते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा कुछ भी आ रहा है एक्चुअली, शेल ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा इससे, हम इसको ट्राई करते हैं रेदर देन दिस पार्ट। एक्सट्रूड बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब बेटर है। और इसमें ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको असाइन करते हैं और इसका कलर समथिंग लाइक चेंज करते हैं ब्लूइश में थोड़ा, एंड लेट्स क्विक सेटिंग करता हूँ इसमें इंटीरियर और लेट्स टेक अ क्विक रेंडर। ऑब्वियसली हमें एक्सपोजर पहले सेट करना पड़ेगा सो 8 प्रेस करता हूँ, एक्सपोजर पे आते हैं और इसका वीरे एक्सपोजर देते हैं फोटोग्राफिक टू ईवी एंड लेट्स टेक अ क्विक रेंडर, ठीक है। एंड देयर यू हैव इट, ठीक है, नाइस डिसेंट रेंडर, ये डिसेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस करते हैं, अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और की शॉट टू रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। So, let's take a closer look to the key shot. और यहाँ पे रियल टाइम रेंडर होगा ऑब्वियसली, सो मैं इस पर क्या करूँगा, इसके एनवायरनमेंट में चलते हैं एंड लेट्स ऐड अ स्टूडियो लाइट। सो मैं बेसिक सी 3-point स्टूडियो या फिर कोई सा भी बेसिक लाइटिंग ऐड करूँगा, say something like let's try panels, let's try these, ठीक है। और हम चाहे तो इस पर बैक प्लेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके साथ मटेरियल्स भी कुछ देते हैं, समथिंग लाइक दिस वन, मिशंस तो नहीं। फॉर दिस प्लेन मैं चेंज करता हूँ समथिंग लाइक, लेट्स ट्राई रेनबो, देखते हैं कैसे होता है ना,
ये भी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। किस एंगल पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से ग्लास हो गया, रेड ग्लास ले लेते हैं, या लेट्स से ये ग्लास बना देते हैं हम ये, और इसको मैं रेड की जगह समथिंग ब्लूइश कलर या येलोइश कलर, लेट्स से दिस, ठीक है। क्या जो ब्लू है नीचे फैल नहीं सकता, ये वाला लाइट इसकी पूरी ये कलर फैल रहा है, सो वो लाइटिंग के साथ हमें प्ले करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं इसमें लाइट भी बना सकता हूँ, सो अगर सपोज करो मैं इसमें जस्ट ट्राई करते हैं एक पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट तो नहीं, बट लेट्स से इसको मैं अंडू करता हूँ पहले तो, और इस पे आते हैं जेम स्टोन पे, देखते हैं अगर जेम स्टोन में, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का मटेरियल डाल रहे हो, किस टाइप की लुक एंड फील दे रहे हो, ये देख रहे हो उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, सो ये बहुत सिंपल बेसिक सा था ट्यूटोरियल, नथिंग फैंसी, क्या है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन, इनफैक्ट हम चाहें तो मैं इसको हाइट करता हूँ, हाइट पार्ट, और अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे भी लग रहा है, लेकिन मुझे अब चाहिए ग्राउंड में रिफ्लेक्शन, तो मैं इसमें ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, जो इसका टेक्स्ट है, पोजिशन मूव टू, इसको मैं ऊपर अगर मूव कर दूँ तो हम उसका डायरेक्टली रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, एंड एक्चुअली इसको स्नैप टू ग्राउंड सेंटर होना चाहिए, सो इट्स राइट। सो इसमें आता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑन है, हम चाहे तो पीछे कलर भी दे सकते हैं, और मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा इसमें डालता हूँ, ठीक है। सो हमें अब रिफ्लेक्शन डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर मैं प्योर ब्लैक करूँ, देख रहे हो इसका प्योर रिफ्लेक्शन, इसमें हल्का सा इतना रखता हूँ, ठीक है। नाउ इस पार्ट को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि ये अभी बेसिक रेंडरिंग में है, ठीक है। लाइटिंग बेसिक पे है, हम इसे चाहे तो प्रोडक्ट बेस्ड लाइटिंग दे सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की आप लाइटिंग दे रहे हो। हम चाहे तो इसमें बैक प्लेट ऐड कर सकते हैं, सो लेट्स ऐड अ बैक प्लेट, स्टूडियो बैक प्लेट होगी, देख रहे हो। एक्चुअली ये अली डालता हूँ, ठीक है। सो जैसे ये हो गया, ये जस्ट दिखा रहा हूँ, आई नो, और ग्राउंड साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इससे रिफ्लेक्शन अच्छा है, हम फ्लैटन ग्राउंड रख सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत हैं, सो कलर पे कर देता हूँ अगेन, एंड देयर वी गो, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसी के साथ हम लाइटिंग्स एंड शेडो क्वालिटीज, कॉस्टिक भी ऐड कर सकते हैं। कॉस्टिक होता है कि वो काइंड ऑफ जो ग्लास होता है, ग्लास का रियलिस्टिक इफेक्ट देता है सरफेस पे, सो वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का चाहिए। कैमराज में और कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे हम इसका प्रोस्पेक्टिव बढ़ा सकते हैं, सो अगर मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाता हूँ, मैं जनरली 25 या 15 यूज़ करता हूँ, पर आप 20 यूज़ कर सकते हो, सो 20 भी देख रहे हो इसका प्रोस्पेक्टिव कैसा आ रहा है। हम लेंस डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, इसलिए सो देयर यू हैव इट, ठीक है। सो मैं इसे